नए चैलेंज भी आ गए हैं कुछ नहीं, अभी टोटल हो गए हैं 5 चैलेंज। 5 शेयर करो, दिमाग में क्या हो रहा है बट करते हैं इस चीज को शुरू। यहाँ पर हमारे कुछ भाई खेल रहे हैं, अभी ये मशीन वर्किंग नहीं है बट दिस इज वर्किंग, काफी बढ़िया है। अच्छा मतलब इतना थोड़ा मिर्ची खा के उसके बाद ये मिल जाए तो मजेदार। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, मेरा नाम है भव्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा एक और नया व्लॉग। और आज एक बहुत ही स्पेशल बहुत ही डिफरेंट जगह पर है जिसका नाम है BMW। अक्सर गाड़ियों में हमने BMW का नाम सुना था बट आज मैं आया हूँ BMW मोमोज पे, बिग मोमोज वर्ल्ड पर, जहाँ पर होते हैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या है वो तो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर क्या क्या वैरायटी ऑफ मोमोज अवेलेबल है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो शेयर, और मोमोज लवर होना तो दबा कर मतलब इसको शेयर करो, अच्छे से कमेंट करो कि आपके फेवरेट मोमोज क्या है। और करकरडूमा में जगह है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अंदर चलते हैं। क्या एम्बियंस है, कैसी जगह है, कैसा माहौल रहने वाला है, काफ़ी अच्छा भाई, मोमोज लवर के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं। आप लोग शेयर करो, दिमाग में क्या हो रहा है बट करते हैं इस चीज़ को शुरू, एंड आप लोग करो शेयर, करते हैं मोमोज का भी शुरू। अभी हम जो मतलब BMW मोमोज के अंदर आए, रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, तो यहाँ पर हमें उनके ऑनर मिले हैं और ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो नई जगह है, पहले BMW कुछ और था, अब BMW असली BMW है, तो क्या है, क्या फीचर्स की कहानी है, वो सारी चीज़ जानते हैं। और जो स्पेशल चैलेंजेस अभी प्रेजेंट में क्या एक्टिव है उनके पास, वो सारी चीज़ें भी उनसे आज आ गए। सर क्या हाल है आपका? नमस्कार, तो आपका नाम क्या होगा सर? पहले मेरा नाम ज्वाला प्रसाद है। ओके ज्वाला जी भाई, आप आ गए हैं बिग मोमोज वर्ल्ड के अंदर जो चैलेंज के लिए जाना जाता है। हाँ जी ठीक है, पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं चैलेंज करने के लिए भी। हाँ जी, बाकी पहले हमारा एक छोटा सा आउटलेट था। हाँ जी, 2 शॉप थी और एक पार्क था जहाँ पे हम चैलेंज कराते थे। हाँ जी, और वहाँ पे भी लोग पूरी इंडिया से आ रहे थे और यहाँ पे अभी भी आ रहे हैं। जो हमारे पहले चैलेंज चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं और कुछ नए चैलेंज भी आ गए हैं। कुछ नए चैलेंज अभी टोटल हो गए हैं 5 चैलेंज। 5 चैलेंज, पहला चैलेंज था हमारा था 2100 रुपये वाला, 15 मिनट 20 मोमोज और ले जाओ 2100 रुपये। फिर था 5100 वाला, 20 मिनट 25 मोमोज 5100 रुपये, 20 25 मोमोज। जी जी। अच्छा ये चैलेंजेस में अभी तक कोई जीता है सर? कम से कम 160 लोग जीत चुके हैं टोटल मिला के। क्या बात है, तो मेरे 5 चैलेंज है ना, उनके जो विनर हैं कम से कम 160 विनर्स हैं मेरे पास। ठीक है, फिर हमने निकाला 5700 वाला। लोग बोल रहे थे भाई 2 लोगों का चैलेंज निकालो भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने निकाला जय भीरू, जिसके अंदर 2 लोगों को मिलकर खाने थे 38 मोमोज 15 मिनट में। 38 उसमें टोटल कैशबैक था 5700 रुपये। ठीक है, फिर क्या भाई कुछ बड़ा निकालो, मैंने निकाल दिया कौन बनेगा लखपति। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारे 4 विनर हो चुके हैं, लेकिन चैलेंज इजी नहीं है, जो तो नेक्स्ट लेवल है सिर्फ वही चैलेंज कर सकते हैं। 15 मिनट 35 मोमोज और ले जाओ हाथ में। बाकी फिर अभी मैंने रिसेंटली जल्दी एक चैलेंज निकाला, मैंने छोटा चैलेंज सबसे 6 मोमोज वाला। ओके, 2 मिनट 6 मोमोज और पूरे 3100 रुपये कैश। एक प्लेटर है जिसके अंदर हमारे 6 तरह के मोमोज हैं। ओके, स्टीम है, तंदूरी है, अफगानी है, फ्राइड है, कुरकुरे मोमोज है और पिज़्ज़ा मोमोज है। ओके ठीक है, पूरा आप उसके अंदर टेस्ट का जायका ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। ठीक है, और वो चैलेंज के लिए भी है, 2 मिनट 6 मोमोज और पूरे 3100 रुपये कैश। बाकी हमारे जो तंदूरी मोमोज बहुत ही फेमस है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, सभी लोग आते हैं तंदूरी मोमोज, तो उसके अंदर वेज भी है नॉन वेज भी है, तो आप कोई से भी मोमोज ट्राई कर सकते हैं। बाकी 6 तरह के मोमोज हैं हमारे पास। बस की तो नहीं है, देखो चैलेंज करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फूड को टेस्ट करके भी खाता हूं। मैं भी सभी से ये बोलता हूं भाई चैलेंज मत करो भाई, मेरा टेस्ट करने के लिए आओ, लेकिन टेस्ट के बहाने लोग इतना आते हैं कि चैलेंज ज़्यादा हो जाते हैं और खाने वाले कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब वही रहता है कि लोग आजकल बहुत बोल रहे हैं कि भाई चैलेंज बेकार है, नहीं करना चाहिए। मैं भी यही बोलता हूँ भाई मत करो चैलेंज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट करो आगे। तो ये है वो टेस्ट, मैंने काफ़ी लोगों से सुना, काफ़ी जगह देखा, तो टेस्ट की ज़्यादा तारीफ थी। चैलेंज एक अलग चीज़ है बट टेस्ट की ज़्यादा तारीफ थी, इस वजह से मैं यहाँ खींचा चला आया। सर ये तो है कि हमारे वेज नॉन वेज मोमोज नहीं बचते हैं, डेली बनाने पड़ते हैं, डेली क्योंकि अभी स्विगी जोमेटो है हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो ऑर्डर खाते रहते हैं, चलता रहता है। जैसे कि मोमोज अभी रखे हुए हैं ऑर्डर, तो हमारे स्विगी जोमेटो पर भी है कि ऑर्डर्स रनिंग में चलते रहते हैं और बाकी दे सकते हैं, चैलेंज भी चल रहे हैं और लोग खाने भी आए हुए हैं। तो ये अभी आपने जो नया आउटलेट खोला है इसको कितना टाइम हो गया सर? इसको भी कम से कम 2 महीने हुए हैं बस, पीछे बाकी हमारा सामने ही था। बाकी आप ये भी बोल सकते हैं कि सिटी आ गया है करकरडूमा, वही फूड और वही एम्बियंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे है। और हाँ, दिल्ली में ना पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है। हाँ जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पूरी पार्किंग ही है। हाँ, यहाँ पर नीचे पार्किंग अवेलेबल है, आप आराम से आइए, गाड़ी खड़ी करिए, फैमिली लेके आइए। हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, उसके अंदर आपको नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल मोमोज के साथ साथ वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने देखा कि अभी दो गेमिंग मशीन्स भी सेटअप हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे हाँ जी देखिए अपना टेकन 3 है, मुस्तफा है, आपको बचपन की चीज़ें याद आ गई, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। तो अभी ये चालू हुई है, चालू हो रही है, चालू हो रही है। और इनका क्या नॉमिनल प्राइस रहेगा अगर है तो? बाकी अभी कॉम्प्लीमेंट्री है ये, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है। फूड का ऑर्डर दिया, फूड वहाँ से रेडी हो रहा है जब तक आप गेम खेलिए। क्या बात है, ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। यहाँ पे चालू हो रही मशीन, अगर ये हमारे रहते चालू होगी तो एक बार इसमें गेम खेल के जरूर दिखाएंगे आपको। एंड साथ ही साथ ये इस जगह की शान बहुत बढ़ा रही है, इसका क्या आइडिया था सर? ये बुलेट है ना जो, हाँ जी, जितने भी मेरे विनर बनेंगे यहाँ पे चैलेंज करेंगे, विन करते हैं 2100, 3151 या लखपति बनते हैं। हाँ जी, इस बुलेट को बैठा के देंगे कैश। ओहो, ठीक है, जितने विनर होते हैं ना मेरे, इससे बैठा के देते हैं हम कैश। तो हमारा लोगो लगा हुआ है यहाँ पे बिग मोमोज वर्ल्ड, अपनी ऐड भी हो जाती है। सही, ये तो अच्छी बात। अभी छोटा सा बार काटा है लेकिन अल्कोहल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ मॉकटेल और शेक से खाली बस। अभी तक आपका जो मोस्ट डिमांडिंग मॉकटेल है वो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे सांगरिया, ठीक है। सांगरिया वैसे वाइन बेस्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, लेकिन हमारा मॉकटेल्स है तो उसमें क्रैनबेरी जूस, ऑरेंज जूस और सीजनेबल्स फ्रूट्स होते हैं जो चॉप करके रखते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ स्प्राइट होती है उसके अंदर, आप वो ट्राई करिए, बड़ा हेल्दी और एनर्जिक है, ठीक है। एक है अपना वर्जिन मोहितो और एक वाटरमेलन मोहितो। ये सबसे ज़्यादा कोई गर्मी का टाइम है, लोग ज़्यादा पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं उसको, तो आप भी वो हेल्दी ड्रिंक अपना ट्राई करिए। चलो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। बाकी अभी मैं अपना प्लेटर टेस्ट करता हूँ, और चैलेंज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने आपको पहले भी कहा टेस्ट का मैं ज़्यादा शौकीन हूँ, चैलेंज का नहीं, तो टेस्ट मैं करके बताऊँगा। और बाकी एक बार एम्बियंस दिखाता हूँ ऑडियंस को कि ऑडियंस हमारा यहाँ का एम्बियंस कैसा है, और जो एक्टिव चैलेंजेस है वो बाहर बोर्ड लगा हुआ है। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही था कि अगर किसी को आना है करकरडोमा से तक से हम आ सकते हैं, बट फिर भी आप एक बार अपने तरीके से बता दीजिए कैसे पहुंच सकते हैं इजीएस्ट में। पहले हम थे करकरडोमा में और अभी भी हैं करकरडोमा में। हाँ जी, सबसे इजी है करकरडोमा मेट्रो स्टेशन है। हाँ जी, आप पहुंचे वहां से क्रॉस करते हैं रोड को, लेफ्ट हैंड पे एचपी का पेट्रोल पंप है। ओके, ठीक है, उसके जस्ट बगल में ही है करकरडोमा कम्युनिटी सेंटर। ओके, वहाँ पे सारा फूड हब है। एंट्री करते ही ना लेफ्ट हैंड पे चावला जी बड़े फेमस है यहाँ पे। चावला जी के फर्स्ट फ्लोर पे ही है बिग मोमोज वर्ल्ड। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो गूगल पे लिखिए बिग मोमोज वर्ल्ड, तो वहाँ पे लोकेशन, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगी, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ में टोकना चाहूँगा कि अब जितना चावला फेमस है उससे कहीं ज़्यादा बिग मोमोज वर्ल्ड फेमस है। गूगल पे डाला बिग मोमोज वर्ल्ड, इजीली आ गया और आप लोग आ गए। मेरे को मैंने चावला की तरफ ध्यान नहीं दिया, अभी सर ने बोला कि चावला नीचे तो मेरा तो है चल रहे हैं, जिनका नाम है वो तो है ही है। बाकी आप लोग, बट आप काफ़ी डिमांड है, बच्चा जाता है BMW, हर किसी ने आपकी वीडियो भी देखी है, हर किसी ने आपकी चीज़ें भी देखी है। आई विश कि टेस्ट भी वैसा मिले। बाकी को मैं एम्बियंस दिखाता हूँ, गेम का हमारा जो सेटअप है वो हम दिखाते हैं। चलिए एक बार हम इसको चेक करके चलें। चैलेंजेस की वो ये सारे इधर है। लखपति चैलेंज एंड में है, जिसके रूल्स भी हैं कि डोंट वॉमिट, यहाँ पर है ईट होल मोमोज विद फिलिंग्स, विनर कांट पार्टिसिपेट अगेन एंड पे अमाउंट बिफोर स्टार्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे कितने सारे यहाँ पर विनर्स हैं, लकी विनर्स। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ 3,75,000। क्या वहाँ पर बहुत सारे मोमोज आ गए, 6 मतलब हमारे पिज़्ज़ा मोमो, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टीम मोमो, अफगानी मोमो, कुरकुरे, चिली गार्लिक और लास्ट हमारा तंदूरी मोमो। तो कनिक कौन सा पहले खाएगा? भाई मैं तंदूरी मोमो सबसे पहले खाऊंगा। तंदूरी मोमोज, चलो चखो। एंड बाकी मैं एक बार अफगानी के साथ जाता हूँ, एक बाइट अफगानी। हाँ, तो कनिक ये जो अभी खाया, ठीक है, कैसा लगा टेस्ट? अच्छा है, ओके। सो मतलब कितने, मतलब वर्थ इट है अगर यहाँ पे 300 रुपये का अगर हम दे रहे हैं 6 मोमोज के लिए? वर्थ है भाई, वर्थ है। चलिए भाई मैं एक बार हमारे अफगानी मोमोज, तो अफगानी मोमोज ट्राई करता था। अरे भाई ये अफगानी मोमो है पूरा। मैं एक बार अब तंदूरी मोमोज ट्राई करता हूँ। ये नहीं कह सकते कि प्लेटर में है तो सारी चीज़ों का टेस्ट सेम है, हर किसी का एक अलग अलग टेस्ट है और वो आ रहा है। अच्छा लगा, फिलिंग वाले से सबकी सेम हो, बट मतलब अफगानी और तंदूरी की फिलिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ पर टेस्ट में फ़र्क है दोनों की कवरिंग में, दोनों की लेयरिंग में, ईच एंड एवरीथिंग एज अ डिफरेंट टेस्ट। पिज़्ज़ा मोमोज ट्राई करता हूँ, फिर कुरकुरे मोमोज, फिर हमारा चिली गार्लिक बचा है और हमारा जो नॉर्मल प्लेन मोमोज है वो ही बचा है, तो एक बार उसको भी ट्राई कर ही देते हैं लगे हाथ। इसकी फीलिंग अलग है, ये पनीर में है, ये भी अच्छा है। पिज़्ज़ा मोमोज की एंड ऊपर चीज़ और सारी चीज़ें सॉसेस वगैरह लगे हुए हैं, पनीर इसके अंदर की फीलिंग है, मेरे दोस्त अभी खा चुके हैं। आई है सबसे बड़े मोमोज की बारी, जिसका भाई ये है हमारा कुरकुरे मोमोज, एंड इसको करते हैं हम चटनी में डिप। चलिए तो अभी यहाँ पर कनिक ट्राई करेगा हमारा चिली गार्लिक मोमोज। आज बड़े तहजीब से खा रहा है कनिक, क्या हो गया भाई? तुम्हारे साथ आया ना, बड़े ब्लॉगर तो आपके साथ आया हुआ, तो ये खा के बताओ भाई। ठीक है, अच्छा है, पर तंदूरी मोमोज और कुरकुरे मोमोज वर बेस्ट। अच्छा, तंदूरी और कुरकुरे मोमोज वर द बेस्ट। चलिए अभी मैं अपना मतलब फाइनल रिव्यू दूंगा इसको खाने के बाद कि मेरे को सबसे अच्छा मोमोज कौन सा। जैसा कहा गया भाई, सबकी फीलिंग अंदर की सेम है, ठीक है। आपका पिज़्ज़ा मोमोज और वो जो सिंपल स्टीम मोमो था उसको छोड़ के सबकी फीलिंग सेम है, बट टेस्ट सबका डिफरेंट है। आई डोंट नो हाउ, बट इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक, एंड मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो ये है, कुरकुरे मोमोज एंड तंदूरी मोमोज, जैसा कनिक ने कहा। सो दे आर द बेस्ट, एंड जैसा सर ने भी कहा था कि उनके तंदूरी मोमोज का एक अलग ही टेस्ट है, तो हाँ आई मस्ट से कि हाँ, तंदूरी मोमोज का एक अलग ही टेस्ट है। अभी ये सारा फिनिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ खा पाएंगे या नहीं। इस बार आपको गेम खेल के और ज़रूर दिखाएंगे गेम में क्या होता है। यहाँ पर ये हमें वाटरमेलन मोहितो मिल रहा है, नाइस, काफ़ी बढ़िया, अच्छा। मतलब इन्होंने मिर्ची खा के उसके बाद ये मिल जाए तो मज़ेदार चीज़ है। तो कनिक कैसा लगा? यहाँ पर हमारे कुछ भाई खेल रहे हैं, अभी ये मशीन वर्किंग नहीं है, बट दिस इज़ वर्किंग एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। के साथ हमारा आज का व्लॉग जो होता है वो होता है एंड। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये बिग मोमो वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोर पे है करकरडूमा में, कम्युनिटी सेंटर में, आप लोग आ सकते हैं। लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह और भी आप नए नए रेस्टोरेंट मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप चाहते हैं कि मैं आपके रेस्टोरेंट का रिव्यू करूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।